करता हूं इस पवित्र भूमि को, और यहाँ जितने भी समझदार लोग बैठे हैं एक बार तालियां बजा दें। प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा सुनते हैं। निसंदेह मैं अभिभूत हूँ इस पवित्र स्थली पर आकर, और मेरे जीवन का एक सौभाग्यशाली क्षण है जब मैं इस मंच पर आपके सामने काव्य पाठ कर रहा हूँ। और धीरज भाई, आजकल अंतिम संस्कार भी यहाँ होने लग गया है। नहीं, उसके लिए यहीं के लोग काफी हैं। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं भाई बंसीधर मिश्रा जी, इनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए साहब। निसंदेह लोग अपना विश्वास जताने के लिए सुनहरी चीजें, सफेद चीजें पसंद करते हैं। शिवरी नारायण के लोगों का जायका अलग है, जिन लोगों ने पहली बार ऐसी धवल की जगह श्यामल चीज को पसंद किया है। बहुत बढ़िया, आपकी पसंद ये इनसे शुरू हुआ, ये कॉलेज की महिमा और लवर पॉइंट वगैरह बहुत सारी चीजें बताई। यानी इधर के लोगों को लवेरिया ज्यादा होता है, उन्होंने आया भगवान श्री राम की बातें की, नारे लगवाए, कवित्री आई, कुछ लोगों को देखा, कुछ ने इनको देखा, देखा देखी के बाद बैठ गई। वही होना था, क्योंकि देख ही सकते हैं। लेकिन बाकी लोगों ने जितनी मेहनत की, आधे लोग घर चले गए। थोड़ी मेहनत मैं कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, तालियां ऐसे नहीं बजाइए, वो उनके लिए चला होगा, मेरे लिए बजाए क्या लगे कि छत्तीसगढ़ की माटी के ऊर्जावान लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ताली बजे तो लगना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की ऊर्जा यहाँ पर है। एक व्यक्ति बार बार खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगा रहा था, वो भी तब जब वो ढंग से खड़ा नहीं हो सकता। अगर वो ढंग से खड़ा हो जाए तो छत्तीसगढ़ की आवाज दिल्ली तक जाए। प्रणाम करता हूं आपकी ऊर्जा को, प्रणाम करता हूं। बैठिए आप, यहां बार बार बहुत सारे विषय उद्भृत किए जा रहे थे, पीछे से बहुत अच्छा संचालन करते हैं साहब आप। बात आ रही थी कि यहाँ पर किसी बात पे तनाव पैदा हो जाता है, मुझे तो कुछ लोग बोले कि बहुत कोशिश करो तो भी तनाव पैदा ही नहीं होता है। तो हर बात पे तनाव पैदा करने की जरूरत नहीं है, अपनी ऊर्जा है। मैं देहाती, मैं अभी इधर आया तो एक आदमी बोला आप देहाती कैसे फ्रेंच कट दाढ़ी रखे हुए हैं। मैंने कहा अगर एक देहाती फ्रेंच कट दाढ़ी रख रहा है, इसका मतलब विकास तो हुआ है। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। और अगर विकास हुआ है तो पूरा ही विकास हुआ है। ये आपके सामने जो देहाती खड़ा है, ये चार देशों की यात्रा कर चुका है और 1000 से ज्यादा कवि सम्मेलन पढ़ चुका है। और अगर एक देहाती ऐसा कर सकता है तो आप मानिए कि देहाती में कोई तो बात होती है। लोग बोलते हैं कि देहाती में अक्कल नहीं होती साहब, लेकिन देहातियों के अपने परिचय है। यहाँ जो माटी मैंने देखा, खेत खलियान, यहाँ पर मेहनत करने वाले लोग सारे देहाती है, जिन्होंने शहरों की रौनक बढ़ाई है। बहुत बढ़िया भाई, मैं देहातियों की तरफ से पूरे देहातियों का प्रतिनिधित्व करते देश विदेश की यात्रा करते हुए कहता हूं कि पसीना छलकता है माथे पर, हमारे चेहरे पे बनावटी मेकअप नहीं होता, मस्ती में रहते हैं हम, कभी हमारा चेकअप नहीं होता। बढ़िया, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। हम देहातियों के जीवन में कभी ब्रेकअप नहीं होता। बहुत बढ़िया, लोग बोलते हैं कि देहाती में अक्कल नहीं होती साहब, लेकिन सही बात है। हाँ भाई साहब, नहीं नहीं मैं देख रहा हूं तुम जिसको हाथ उठा के इशारा कर रहे हो आज आई नहीं है। सबके अपने अपने तरीके हैं, कौन किधर देख रहा है। मैं अग्रवाल जी आप आए, मेरे गले में माला पहने और कान में बोले कि ढंग से जमाना। आपकी बात का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं यहां से पूरा जमा रहा हूं, प्रणाम करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। आप बहुत अच्छे श्रोता हैं साहब, अच्छे श्रोताओं के कारण ही आजकल यहां पर कार्यक्रम जमते हैं। जब अच्छे सुनने वाले होते तो यहां से बोलने वाले का भी मन होता है। मैं यहाँ पर बैठा, इन्होंने इशारा किया, लेकिन यहाँ जितने भी मेरे प्रजाति के लोग बैठे हुए हैं, आपको देख रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय, बहुत पिछले दिनों एक समस्या खड़ी हुई थी, अखिल भारतीय गंजा संगठन की समस्या आ गई थी कि आखिर अध्यक्ष कौन बनेगा, लेकिन आज ऐसा लगता है कि मेरी तलाश पूरी हो गई। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, कोई बात नहीं,
मस्ती में रहो, मस्ती की बात करता हूँ। मैं देहाती हूँ साहब, लेकिन देहात के उस जीवन की झलक आपको दिखला कर जाना चाहता हूँ। संस्कार विचार की वो बातें आप तक करके जाना चाहता हूँ। जो यात्रा करता हूँ उसमें संदेश साथ मस्ती भी हो आपके सामने। मैं हल्की फुल्की बातें करूंगा, लेकिन हल्की बात नहीं करूंगा, इस बात का भी ध्यान रखना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या इधर वालों को समझ में नहीं आ रही? तो ढंग से बजाओ तालियां की लगे। आपको समझ में आ रही है? बहुत अच्छा सुनते हैं साहब। और आदरणीय नायर जी, आपका जिक्र बार बार हो रहा था, मुझे लगता है आप जहां रहते हो वहां पर शांति ही शांति रहती है। फिर शांति के आदमी क्या करते होंगे? आप जैसे लोगों का होना, इधर जितने भी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया। और जिन लोगों ने खेत खलियान देखा है, जिन लोगों ने फसलों को उगाया है, जिन लोगों को खेती की कीमत मालूम है, अगर मेरे शब्द उन तक जाए और उनके विचारों को लगता हो कि मेरी जुबान मिल गई हो, एक भी हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। और अगर एक हाथ भी खाली रहा तो मुझे लगेगा उसके समझ में मेरी बात आई नहीं रही है। कि हम देहातियों ने कड़कड़ाती ठंड, तेज धूप और भरी बरसात में फसलों को संभाले नहीं होते, तो आज देश के मुंह में अनाज के निवाले नहीं होते, तो आज देश के मुंह में अनाज के निवाले नहीं होते। और ऐसा नहीं कि हम देहातियों के जीवन में गम नहीं होता, मगर किसी भी देहात में कहीं भी वृद्धाश्रम नहीं होता। बहुत बड़ी बात। कहीं भी वृद्धाश्रम नहीं होता, कहीं भी वृद्धाश्रम नहीं होता। तकलीफें सहते हैं हम, अपनी जिंदगी संभाल लेते हैं। अरे अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घर में ही पाल लेते हैं। बहुत बढ़िया। अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घर में ही पाल लेते हैं अपने। जय जय श्री राम। सप्त सुरों का संपूर्ण आलाप हो जाता है। अरे राम राम कह दो तो पूरा जाप हो जाता है। बहुत बढ़िया। राम राम कह दो तो पूरा जाप हो जाता है। बहुत अच्छा सुनते हैं साहब। निसंदेश माटी के गौरव में कुछ तो बात अनोखी है, जहां पर इतने सारे लोग इतनी अच्छी बातें करते हैं। लोग बोलते हैं कि देहाती में अक्कल नहीं होती। देहाती में अक्कल तो होती है, कितनी होती है आपने देख भी लिया। और ये भी फिर मैं कहता हूं कि हो मोहल्ले में गमी। बहुत बढ़िया। कि ये देहाती कि हो मोहल्ले में गमी तो उसको अकेला रोने नहीं देता। रात में हो अगर एक भी रोटी तो सामने वाले को भूखा सोने नहीं देता। बहुत बढ़िया। यह देहात का जीवन। लोग बोलते हैं कि देहातियों में अक्कल नहीं होती। देहातियों का विश्लेषण, देहातियों की बातें आप तक पहुंचाता हूं। लोग आते हैं और अपने बारे में बताते कि मैंने ऐसा किया वैसा किया। साहब मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि मैं 10 टीवी चैनल में आ चुका हूं। सही बात है। मैं नहीं बताता। मैंने आज तक कहीं नहीं बताया कि मेरी 4 किताबें छप चुकी है। मैं नहीं बताता। मैं ये नहीं बताता कि मैं आज तक 18 राज्यों में काव्य पाठ कर चुका हूं। मैं नहीं बताता, वो आप बताएंगे। जब आपको लगे कि इस लायक है तो तालियां बजाकर मुझे बताएं, मैं कभी बता। भाई जो बंसीधर मिश्रा है, पिछले दिनों मेरे पास फोन किए, ये इन्होंने मुझे फोन किया। अब देहाती वरिष्ठ है उम्र में, अनुभव तो उतना ही है जितना होना चाहिए, लेकिन जब फोन करते तो उनकी समस्याओं का हल निकालना पड़ता है। इनका फोन आया कि दिनेश भाई मेरी शादी नहीं हो रही है। अरे मैंने कहा कौन सा वंडर, इतना सुंदर है, सुशील लड़का अच्छा है, तेरी शादी क्यों नहीं हो रही? बोले पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। तो मैंने कहा विज्ञापन दे दे पेपर में, उसके बाद जो आएगा उसमें से कुछ चुन लेना, शादी कर लेना। अब इन्होंने विज्ञापन तो दे दिया, लेकिन ढंग का पत्रकार चुनता तो ठीक था, इन्होंने वो बिजनेस वाला चुन लिया। वहां विज्ञापन आया तो वैसे ही छपना था जिनके पास गया था। विज्ञापन छपा वधू चाहिए, नीचे लिखा था सुंदर सुशील, गृह कार्य में दक्ष, और नीचे लिखा था नोट अनुभवी को प्राथमिकता। अब उसके बाद तो वही होना था। फोटो आई, प्रस्ताव आए, कुछ कौली थी कुछ कड़ी थी, लेकिन सबकी सब इससे उम्र में बड़ी थी।
तो शादी नहीं हो पाई, हम क्या करें। ऐसे इनका फोन आ गया एक बार, बोले दिनेश भाई आज से 10 साल पहले की बात है, बड़ी समस्या। मैंने कहा यार मुझे फोन क्यों करे, बड़ी अजीब सी समस्या है। बोले आज वो समग्र आईडी बनाने, आधार कार्ड बनाने का आज आखिरी दिन है। तो मैंने कहा इसमें क्या है यार, जाओ कार्यालय पंचायत करो, अपना काम कर लो। बोले समस्या वो नहीं है, वो आज का आखिरी दिन है और बोल रहा कि फोटो लेके आओ। तो मैंने कहा इसमें भी कौन सी समस्या है यार, फोटो स्टूडियो जाओ, आजकल अर्जेंट में फोटो छप जाती है, वहाँ अपना फोटो बनवा लो और वहाँ पर जाके फोटो जमा कर दो। बोले ये अच्छी आइडिया दे दिया, ये गए साहब एक स्टूडियो में, बोले अर्जेंट फोटो खींचना बन जाएगी। बोले हाँ बन जाएगी। बोले कितनी देर बन जाएगी, बोले 1 घंटे बन जाएगी। उन्होंने इसका फोटो खींचा, बोले 1 घंटे बाद आना। 1 घंटे के बाद गए, यार बोले ढंग से नहीं आए, फिर से बैठो इनका फोटो खींचा, बोले 1 घंटे बाद आ जाना। फिर 1 घंटे बाद आया, यार बोले पता नहीं तुम्हारा फोटो ढंग से आया नहीं। बोले तू ढंग से सही बात बता यार, हो क्या रहा है, तू 2 बार मुझे 1-1 घंटे बाद बुला रहा है। बोले कुछ नहीं, या तो पहली बार ही ढंग से गई थी, लेकिन मैं जब भी इसको अंदर लेब में धोता तो समझ में नहीं आता नेगेटिव कौन सा और पॉजिटिव कौन सा। तो कभी कभी समस्या ऐसी भी हो जाती है। ये सलाह देते हैं, सलाह है अपने पास। अफिसा बोलते देहाती में अक्कल नहीं होती, देहाती में अक्कल होती थोड़े दूसरे टाइप की होती है, लेकिन जो अक्कल होती है मैं वो आपके बीच में बताता हूँ। पिछले दिनों मुझे किसी ने बताया कि नागपुर का संतरा बड़ा प्रसिद्ध, मैं नागपुर गया साहब संतरा मंडी। मैंने कहा भाई साहब ताज़ा संतरा देना, तो मंडी वाले ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले कहाँ का ताज़ा संतरा, नागपुर के शहर में तो नागपुर शहर में एक भी संतरे का पेड़ है नहीं, यहाँ कहाँ का ताज़ा संतरा। मैंने कहा मुझे ताज़ा संतरा खाना है, तो बोले कहीं देहात में जाओ, बगीचे में जाओ, वहाँ ताज़ा संतरा मिलेगा। खाना था ताज़ा संतरा, हम देहाती जो सोचते हैं वही करते हैं। मैं गया साहब एक देहात में, वहाँ पर बगीचा लगा हुआ था, देगांव करके नाम है उस जगह का। एक आदमी धोती पहना, सर में गमछा बांधे, टोकरी में संतरे बेच रहा था। देहाती का दिमाग देखना आदरणीय अग्रवाल साहब। मैंने संतरा उठाया, सूंघा, अच्छा लगा, उसे सम्मान से पूछा भाई साहब कैसे दिए। बोले 5 रुपये का एक। मैंने कहा ऐसा करो 10 रुपये के 2 दे दो। वो बोला नहीं ये 5 रुपये का एक आएगा। अरे मैंने कहा मैं समझ गया कि 5 रुपये का एक आएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि 10 रुपये के 2 दे दो। वो बोला नहीं 5 रुपये का एक आएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको समझा नहीं पा रहा यार। मैंने कहा समझ गया 5 रुपये का एक आएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि 10 रुपये के 2 दे दो। बोला नहीं 5 रुपये का एक आएगा। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा जब 5 रुपये का एक दे सकते हो कमबख्त कमाकल के देहाती, तो 5-10 रुपये के 2 नहीं दे सकते। तो मुझ पर चढ़ पड़ा, बोले तुम में ज्यादा अकल है तो 5-5 रुपये के 2 बार नहीं ले सकते। दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाने का तरीका अलग। मेरे एक देहाती दोस्त ने तो और हद कर दी, खेत में पक्का मकान बनाया, उसका छप्पर कच्चा बना दिया। अरे मैंने कहा मेरे दोस्त जब इतना पक्का मकान बनाया तो छप्पर भी पक्का बना देता। तो दार्शनिक अंदाज में मुझसे बोला दिनेश भाई तुमने सुना नहीं क्या, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, यार कौन बार बार छप्पर रिपेयर करवाए। तो मैंने कहा पगले तब तो तू चड्डी भी नहीं पहनता होगा। बोले क्यों, मैंने भी दार्शनिक अंदाज में बोला कि जब ऊपर वाला लेता है। बढ़िया भाई, तालियां बजा। तो चड्डी भी उतार लेता है। लोग दिमाग लगाते, सबके दिमाग लगाने के तरीके अलग अलग। मैं आप तक एक वैचारिक विश्लेषण अपना पहुंचाता हूं। लगे कि देहाती ने समाज का कोई दृश्य आपके सामने उपस्थित किया है, तो आप मुझे प्यार दे, इसने दे और बात कहता हूं। भाई साहब एक बात जगह मैंने कहा है कि जो मिला सामने मिला लिए हाथ, रास्ता किसका देखे। आजकल कोई देता नहीं साथ, रास्ता किसका देखे। बहुत बढ़िया। कि जो मिला सामने मिला लिए हाथ, रास्ता किसका देखे। आजकल कोई देता नहीं साथ, रास्ता किसका देखे। और दरख्तों को ही सुना दिया हमने दास्ताने दिल, कोई और नहीं सुनता दिल की बात। रास्ता किसका देखे, रास्ता किसका देखे। इसलिए दिनेश देहाती आओ, मैं कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में जाने कब की बात करता है, 4 के बीच में मजहब की बात करता है। बहुत बढ़िया भाई। क्या आज के दौर में जाने कब की बात करता है, 4 के बीच में मजहब की बात करता है। और बात बात में निकल आते हैं खंजर, यहाँ नादान है वो बेसबब की बात करता है, नादान है वो बेसबब की बात करता है। और गफलतों में ही रहा जिंदगी भर जो आदमी, मौत को सामने देख रब की बात करता है, मौत को सामने देख रब की बात करता है। और पगडंडियों पर चलकर कहता है दुनिया देखेगा, देहाती है मगर गजब की बात करता है, देहाती है
मगर गजब की बात करता है, देहाती है मगर गजब की बात करता है। अपना एक विश्लेषण अभी बात चली थी, मैं गन्ना रस मेरी एक कविता है, एक संदेश परक कविता है, वो आपके बीच में रखना चाहता हूँ। और वो गन्ना रस इसलिए पढ़ता हूँ कि आपके इस महानदी के कछार में गन्ने की खेतियाँ होती होगी, मेरे इधर होती है। गन्ना रस एक कविता मेरी, एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, वो आपके बीच में रखना चाहता हूँ। एक बार तालियों से ऊर्जा दे, मैं मंच का भी साथ चाहता हूँ और पढ़ता हूँ साहब। पढ़िए गन्ना रस। मैं बालाघाट के बस स्टैंड से कविता कवि सम्मेलन के लिए जा रहा था कवि मित्रों के साथ, तो हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, यार आज कवि सम्मेलन में बहुत मजा आएगा, हमारे पास हास्य रस का कवि, वीरस का कवि, श्रृंगारस का कवि। तो वहां कोल्लू से गन्ना रस निकालने वाला आदमी खड़ा था, बोले भाई साहब आपके साहित्य और कविता में कितने रस होते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मेरे गन्ने में उससे ज्यादा रस होते हैं। उस आदमी की मानसिकता जो भी रही हो, लेकिन उसने जो बात कही थी वो मेरे लिए भूमिका छोड़ गया। वो कविता आप तक पहुंचाता हूँ। यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हुई, आपको प्रणाम करता हूँ, इतनी अच्छी कविता के सुनने वाले कम लोग मिलते हैं साहब। हमारे जो तो बड़ा अजीब अजीब सा मामला होता है, मैं घर से बाहर रहने की कोशिश करता हूँ। एक दिन मैंने घर में पत्नी से कहा, मुझे दूर का दिखाई नहीं देता, चश्मा बनाना है। तो मेरी पत्नी रात को 12 बजे उठाकर टेरेस पर ले गई, बोले ऊपर देखो ये क्या है। मैंने कहा ये चंद्रमा है। तो बोले और कितने दूर का देखना है। हाँ साहब आप बोल नहीं सकते, बड़ा अजीब अजीब सा मामला होता है, लेकिन इनको प्रसन्न रखना, इनका ख्याल रखना अपना कर्तव्य है। तब बात करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ मेरा गन्ना रस। गन्ना लाठी की शक्ल का होता है, आपने आपके इधर इसकी बुआई कैसे होती मुझे नहीं मालूम, मेरे इधर जमीन जोतकर क्यारियाँ बनाई जाती है, क्यारियों में पानी बहाकर कीचड़ किया जाता है, गन्ने की डाली डाली काटी जाती है और उस कीचड़ में रखकर पैर से दफना दिया जाता है। ये दृश्य आप मनोमस्तिष्क में रखिएगा और सारे सुबुद्ध लोगों से, हिंदी साहित्य के जानने वालों से, न जानने वालों से भी ये बात कहता हूँ कि सुनेगा और जुड़ेगा, लगेगा इस कविता में कि सही में गन्ने में साहित्य से ज्यादा रस होते हैं। तो आपका साथ मिले, आपका प्रेम मिले, मंच का भी साथ चाहता हूँ, सुनेगा। गन्ना गले तो विभत्स रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस। ये मेरा परिश्रम है, मेरी तपस्या है। अगर लगे कि आपके मनोमस्तिष्क को कहीं भी नॉक करने में, कहीं दस्तक देने में सफल हुआ हूं, तो आपका इसने मिले कि गन्ना गड़े तो विभस रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस, गन्ना कटे तो करुण रस, गन्ना पीटे तो मीठा रस। बढ़िया, प्रणाम करता हूँ। मीठा रस साहित्य में नहीं होता है, शायद उसका दावा मजबूत था। जुड़ेगा कि गन्ना गड़े तो विभस रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस, गन्ना कटे तो करुण रस, गन्ना पीटे तो मीठा रस, गन्ना अड़े तो वीर रस, गन्ना पड़े तो रौद रस, गन्ना सड़े तो सोम रस, गन्ना सड़े तो सोम, बहुत बढ़िया, गन्ना सड़े तो सोम रस, गन्ना सड़े तो सोम रस। सोम रस साहित्य में नहीं होता है साहब, शायद उसका दावा इसलिए मजबूत था। मैंने कहा यार बात तो बड़ी अजीब सी कर दी, लेकिन सोमरस के भी अपने बड़े मजे हैं साहब। यहाँ तो आपकी समिति ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है रुकने के लिए, कहीं कहीं बड़ी आफतें हो जाती हैं। एक जगह कवि सम्मेलन के बाद मैं रुकने के लिए गया तो देखा कि वो हॉल में बहुत सारे मच्छर हैं। मैंने आयोजक महोदय से कहा, भाई साहब इतने सारे मच्छरों के बीच में कैसे सो पाऊंगा। तो बोले वो देखो दद्दा जी तो बड़े आराम से सो रहे हैं। तो मैंने कहा इतने सारे मच्छरों के बीच में दद्दा जी का आराम से सोने का मतलब? बोले दद्दा जी ने एक पाव सोमरस ले लिया। तो मैंने कहा एक पाव सोमरस लेने का मतलब? बोले दद्दा जी को आधी रात तक होश ही नहीं रहेगा। मैंने कहा फिर आधी रात के बाद? तो बोले फिर मच्छरों को होश नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। अरे मैंने कहा ये तो कमाल है यार, चलो इसको भी हम आजमाते हैं, रोज कार्यक्रम करने हैं, सोना बहुत जरूरी है। मैं शहर की अंग्रेजी दुकान पर गया। अब छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी और देसी बताने का कोई मतलब नहीं है, सब समझते हैं। मैं गया साहब अंग्रेजी दुकान में, मैंने कहा भाई साहब एक पाव सोमरस देना। तो उस आदमी ने पहले मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर ऊपर की रेक से एक निकाल कर बोतल सामने रख दिया। मैं देहाती आदमी पहली बार गया था, उस कार्टून को उठाकर मैंने अल्टी पल्टी करके देखा और उसको फिर काउंटर में रखा और उस शराब दुकान वाले से बोला कि भाई साहब इस शराब की बोतल पे तो एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी हुई है। तो उस शराब दुकान वाले ने जो जवाब दिया
लगे कि इसका जवाब सामाजिक संदेश बन जाना चाहिए। शराब दुकान वाले ने जो जवाब दिया, लगे कि हर किसी को पता होना चाहिए। शराब दुकान वाले ने जो जवाब दिया, लगे कि हर चौक चौराहे पे चस्पा होना चाहिए। अगर उसके जवाब में आपका समर्थन हो तो हाथ खोलना। मैंने कहा भाई साहब, इस शराब की बोतल पे तो एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी हुई है। तो शराब दुकान वाला बोला कि देहाती शराब कभी एक्सपायर नहीं होती, उसको पीने वाला एक्सपायर हो जाता है। शराब शराब कभी एक्सपायर नहीं होती, उसको पीने वाला एक्सपायर हो जाता है। और मुझ देहाती को तो ये समझ में नहीं आता है कि जब शराब बेचने वाले को इतना समझ में आता है तो शराब खरीदने वाले को क्यों समझ में नहीं आता है, क्यों समझ में नहीं आता है साहब। बात है, अपनी अपनी बात है, अपना अपना अंदाज है। अगर आपकी तबीयत खराब हो और डॉक्टर आपको लिक्विड फॉर्म की दवा लिख के दे दे, तो आप जब उसको निकालते हैं कप में तो आपका मुंह कसैला हो जाता है, बड़ी मुश्किल से घूंट घूंट पीते हैं। और जैसी ही तबीयत ठीक होती है तो बोतल को उठा के सामने की रेख पर ऊपर कहीं छुपा कर रख देते हैं। इसके विपरीत कहीं कोई दोस्त तो आपको एक शराब की बोतल गिफ्ट में दे दे, तो उसको बड़े प्यार से धार लगाकर गिलास में गिराते हुए देखते हैं, बड़ा धन्यवाद शुक्रिया दोस्त के नाम पे जाता है। और जब बोतल खत्म हो जाती तो उस आखिरी बूंद को ऐसा देखते जैसे आसमान से कोई तारा टूट रहा। अच्छा कुछ खतरनाक लोग तो और भी जघन्य, उस खाली बोतल में फिर पानी डालते हैं, उस बोतल को हिलाते हैं और उसको भी बूंद बूंद निचोड़ के उसको पी जाते हैं। ये प्रक्रिया आनंद देती है किसी को, कोई बात नहीं। मैंने वहां से एक बात उठाई, वो आप तक पहुंचा रहा हूं कि जिस बोतल में लिखा है जिंदगी का पैगाम, उसको आप दूर छोड़ जाते हैं, और जिस बोतल पे लिखा है मौत का फरमान, उसकी बूंद बूंद तक निचोड़ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन जीडीपी बढ़ाना है देश की, इस पर भी विचार कीजिए। हर चीज का लिमिट सेट है, जरा लिमिट में पीजिए, जरा लिमिट में पीजिए। मैं अपने इस काव्य पाठ की चार अंतिम पंक्तियां रखते हुए आज का स्थान ग्रहण करना चाहता हूं। सुनिएगा, अरे देहाती का संदेश, देहाती की प्रार्थना अब तक के खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है, ब्याज से रहे लापरवाह तो असल खराब होने का डर है। बढ़िया, तालियों से विदा कीजिएगा कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है, ब्याज से रहे लापरवाह तो असल खराब होने का डर है। और अपने माँ बाप को सम्मान के साथ रखना घर में दोस्तों, और बच्चों को नहीं दिए संस्कार तो नस्ल खराब होने का डर है। बच्चों को नहीं दिए संस्कार तो नस्ल खराब होने का डर है। बच्चों को नहीं दिए संस्कार नस्ल खराब होने का डर है। और मैं ये कहना चाहता हूँ चलते चलते कि जिन्होंने अब तक सारे शेरों को नचाया, उनका आना अभी बाकी है। आपकी तालियां, आपका आह्वान, आपकी आवाज आए यहाँ पर अपना रंग दिखाएंगे। बसी दर की बाकी अभी झाकी है। जोरदार तालियों के बीच में देश का वो लाडला कवि जिनके नाम से मंच चलते हैं, सचते हैं, तालियां बजती है और पोस्टर छपते हैं, बंसीधर मिश्रा जो छत्तीसगढ़ ने सारे देश की धरोहर है, आपकी तालियों के बीच में भाई।